السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. <سلام> ने गिरामी मुख्तसर से ख़ुतबे के बाद इससे कबल के कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ सुबहानहु व तुआ है कि अपने हबीब नबीब रऊफ़ुरहिम सल्ला वसलम के सदक़े वो तो फैल मुझे हक़ कहने की तोफ़ी आता फरमाए और हम सब को हक़ सुनने की समझने की कबूल करने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी आता फरमाए अजीज़ा ने ग्रामी अल्लाह सुबहना कुरान मजीद फुर्कान हमीद में इरशाद फरमाता है कि मुना अला नसा अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने मर्दों को औरत पर ताकतवर बनाया आजीजानी आप अगर तारीख का मुतालिया कीजिए ज़माने का मुशाहिदा कीजिए तो मालूम होगा कि हर दौर में मर्द हाकिम रहा है और औरत महकूम अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए एक लाख चौबीस हज़ार कमोपेश्बियाई के राम अब फरमाए सब के सब मर्द थे नब्बत का ताज किसी औरत के सर पर न रखा तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि औरत मर्द का एक हिस्सा है अल्लाह सुबह नब त ने सैदन आदम की बाई पसली से औरत को बनाया इसीलिए अल्लाह सुबह नब त ने इर्शाद फरमाया कि मर्दों को औरतों पर ताकतवर बनाया आजीदानी गामी अगर आप तारीख़ का मतलब कीजिए तो मालूम होगा कि इस्लाम से पहले औरतों की हालत नाकाबिल शुनेद थी औरतों का कोई मकाम नहीं था औरतों की कोई इज्जत न थी औरतों को कोई निगाह इज्जत से देखता ही ना था औरतों को सिर्फ नफसियाती ख्वाश का जरिया समझते थे लफ्ज औरत एक गाली बन चुका था जहालत यहाँ तक फैल चुकी थी कि बेवा औरत को मनहूस समझते थे बेवा औरत के साय से भी लोग दूर भागते थे बेवा औरतों को सब निगाह हिकारत से देखते लोगों की दरिंदगी यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि अपनी लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते किसी लड़की का बाप या भाई बनना सबसे बड़ी गाली थी औरतों को नापाकी और गंदगी का मुजस्मा तसवर करते औरतों से जानवरों जैसा सलूक किया जाता औरतों को उसके बाप के तरके से हिस्सा देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था उस दौर में बेवा औरत अपनी उजरी हुई जिंदगी को दोबारा बसाने का तस्वर ही नहीं कर सकती थी औरतों को हक हासिल नहीं था औरतों को जबान खोलने की इजाज़त न थी औरतों की फरियाद सुनने वाला कोई ना था औरत एक हकीर मखलूक समझी जाती थी यहाँ तक कि औरत सितम का मुजस्मा बन चुकी थी अजीजानी गिनामी हमारे आका सईदुना रसोल्ला सल्ला वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए आपकी बदौलत औरतों को अपना खोया हुआ मकाम मिल गया महबूब पाक सल्ला वसल्लम ने औरतों के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया लोगों को बता दिया कि लड़कियां इसलिए पैदा नहीं की जाती कि तुम उनको जिंदा गार दो बल्कि इसलिए पैदा की जाती हैं कि वो तुम्हारी माँ बन सके वो तुम्हारी बहन बन सके वो तुम्हारी बेटी बन सके वो तुम्हारी बहू बन सके वो तुम्हारे घर की जीनत बन सके वो तुम्हारे घर की रौनक बन सके लोगों को बता दिया कि बेवा औरत को माशरे में जीने का पूरा हक है आपने लोगों को सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि पच्चीस साल की उम्र में एक चालीस साल बेवा औरत से शादी करके बेवा औरत के मकाम को बामूज तक पहुंचा कर दिखाया महबूब पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने लोगों को सबक दिया कि औरतों पर जुल्म ना ढाओ वो भी तुम्हारे जिसम का एक हिस्सा है कलबो जिगर का सरूर है उसको निगाह इज़्ज़त से देखो क्योंकि वो तुम्हारी घर की मलिका है औरतों को बाप के तरके से हिस्सा दो क्योंकि अल्लाह सुबहाना हुआ तआला का फरमान है कि लाकर मिसर हज़्सन औरतों का हिस्सा मर्द का आधा है महबूब पाक वसल्लम ने लोगों को ये दरस दिया औरतों को मनहूस तस्वर ना करो वो घर की रौनक और बरकत है महबूब पाक सल्लल्लाहु सल्ला वम ने लोगों को बताया कि जो औरतों के हकूक तुम पर वाजिब है उनको अदा करो महबूब पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसम ने बताया कि औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक ना करो वरना आने वाली नसल तुमको भी माफ़ कभी ना करेगी लफ्ज़ औरत को गाली तसवर ना करो लफ्ज़ औरत तो इज्जत आबरू के महजन का है दुनिया में इस्लाम फैलने के बाद औरतों का मकाम बामूज में पहुंच गया औरतों को लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे वो इंसान जो अपनी लड़कियों को जिंदा गार देते थे अब उनको आंखों पर बिठाने लगे मुआशरे में औरतों को अपने हकूक मिल गए बेवा औरतों को भी जीने का किनारा मिल गया इंसानी जिंदगी के हर हर गोशे में औरतों को उनके हकूक दिए गए जो उसको हासिल न थे वो इंसान जो औरतों को जानवर समझते थे अब घर की मलिका समझने लगे आजीज़ानी गिरामी तारीख़ गवाह है इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है जो बुलंदी औरत को दिया है जो इज़्ज़त औरत को दिया है जो रिफात औरत को दिया है जो हकूक औरत को दिया है ना आज तक कोई मजहब दे सका है ना क़यामत तक दे सकेगा आजीज़ानी गिरामी इस्लाम ने औरतों को बुलंद मकाम अता किया औरतों को फूल शमार किया औरतों को घर की मलिका बनाया उसकी हिफाजत के लिए कानून मकर्र किया अल्लाह सुबहाना हुआ कुरान मजीद में इर्शाद फरमाता है कि औरतों अपने घरों में ठहरे रहो और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी अजीज गिरामी अगली जाहिलियत से मुराद कपले इस्लाम का ज़माना है जिस ज़माने में औरतें ऐसे निकलती थी अपनी जीनत का इजहार करती थी अजीज़ान ग्रामी इस्लाम औरतों को दर्श देता है कि तुम घर में रहो बेपर्दा ना निकलो पर्दा तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम नाजुक आईना हो हल्की सी चोट तुम्हें चिकना चूर कर सकती है तुम्हारी इज्जत आबरू आईना की तरह नाजुक है एक मरतबा शगाफ़ पर जाने के बाद उसका मदावा नहीं हो सकता ए औरतों तुम भूल हो घर तुम्हारे लिए चमन है फूल चमन ही में जेब देता है अगर फूल चमन से बाहर हो जाए तो मुरझाने लगता है इस्लाम ने औरतों की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म औरतों को पर्दे में रहने की ताकीद की कुरान हदीस में पर्दे की बहुत ताक़ीद आई औरतों को चाहिए कि अपने मकाम को समझे पर्दे का ख़ास तौर पर अहतमाम करे पर्दे में रहकर खास तौर पर अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे इस्लाम का हुक्म माने जिस इस्लाम से उनका खोया हुआ मकाम मिल गया इसी में उनके लिए दोनों जहां की भलाई है अजीजा गिरामी आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बाज तालीम याफ्ता औरतें डिग्री याफ्ता औरतें इस्लाम पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रख कर कैद करना चाहता है इस्लाम औरतों को चार दीवारी में बंद करके उसकी आज़ादी छीनना चाहता है इस्लाम औरतों की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहता है ऊंची सोसाइटी के बाद औरतें ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों की तरक्की को पसंद नहीं करता बाज़ औरतें ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि इस्लाम औरतों को चादर में लपेट लेना चाहता है जो कि सेहत के लिए बहुत ख़राब है अज़ीज़ा निगरामी मैं इन तलीम याफ़्त औरतों से पूछना चाहता हूँ मैं इन डिग्री औरतों से पूछना चाहता हूँ कि तुम इल्ज़ाम किस पर लगा रही हो इस्लाम पर नहीं बल्कि अपने महसिन पर लगा रही हो इस्लाम का एहसान औरतों पर इतना ज्यादा है कि क़्यामत तक उसका बदला कलम और जबा से अदा नहीं कर सकते मैं पूछना चाहता हूँ इन ग्रेजुएट औरतों से उस वक्त तुम्हारी आज़ादी कहाँ थी जब तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा सकता था मैं पूछना चाहता हूँ इन ऊंची सोसाइटी की तरक्की याफ्ता औरतों से उस वक्त कहाँ गई तुम्हारी तरक्की जब तुम जिंदा दफन कर दिया जाती थी मैं पूछना चाहता हूँ इन सन औतो से कहा गई तुम्हारे हकूक जब तुमको निजात का मुजस्मा समझकर तुम्हारे खाने का बर्तन तक अलग कर दिए जाते थे अगर महबूब पाक सल्ला वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो लफ्ज़ औरत आज भी गाली तस्वर किया जाता अगर तुम इस्लाम पर इल्ज़ाम लगा रही हो तुम एहसान फरामोश हो तुम अपने मोहसिन पर इल्ज़ाम लगा रही हो अगर तुम इसी तरह से इल्ज़ाम लगाती रही तो आने वाली नस्ल तुम्हें एहसान फरामोश के नाम से याद करेगी आज़ीज़ आनेगी नामी तुम्हारी इज्जत व आबरू की बका पर्दे के पीछे ही है तुम अपनी असमत को पर्दे में रह कर दागदार होने से बचा सकती हैं। अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही दिया है अगर इस्लाम ने चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया है तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए है इस्लाम जानता है कि औरत एक नाजुक आईना है उसे पत्थर से बचाना होगा इस्लाम जानता है कि औरत एक भड़कती हुई आग है उसे बारूद से बचाना होगा औरत एक महकता हुआ गुलाब है उसे भंवरे से बचाना होगा इस्लाम जानता है कि औरत एक सफेद चादर है उसे दाग धब्बे से बचाना होगा इसलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया कि औरत परदे में रह कर महफूज रह सकती है अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमारी माओ बहनों बेटियों बहुओं को पर्दे की तौफीक अता फरमाए शरीयत मतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सब मर्तों को नजरे नीचे रखने की तौफीक अता फरमाए कि रजा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले वमा बलागुल मुबीन